महाराष्ट्र कृषि क्षेत्र में नई उपलब्धियां छू रहा है। राज्य में कई बड़े वैज्ञानिक द्वारा खेती को प्रगल्भ करने के उद्देश्य से प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनकी सराहना करना उतना ही आवश्यक है। उसी भाव से दिनांक 15 जुलाई की शाम 5:30 बजे सह्याद्री फार्म के चेयरमैन और प्रबंधकीय संचालक विलास शिंदे, इन्हें डॉक्टर सीडी माई के नाम पर पुरस्कार दिया जाने वाला है, जिसके विषय में जानकारी पूर्व विधायक गिरीश गांधी ने दी है। दरअसल विलास शिंदे सह्याद्री फार्म्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की चेयरमैन है, जिन्होंने अपने अभूतपूर्व प्रयोग द्वारा नासिक क्षेत्र के कृषि में नया मुकाम हासिल किया है। जिनके कार्य की सराहना करने के उद्देश्य से दिनांक 15 जुलाई की शाम 5:30 बजे उन्हें डॉक्टर सी डी माई के नाम पर पुरस्कार दिया जाने वाला है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डॉक्टर शरद गड़ाख, साथ ही साथ किसान नेता विजय जावंधिया आदि उपस्थित रहेंगे। इस समय पूर्व विधायक गिरीश गांधी ने इस कार्यक्रम में किसानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहने की अपील की है और विश्वास जताया है कि जैसा नासिक में कृषि प्रयोग हुआ है, वैसा विदर्भ में भी जरूर होगा। कृषि क्षेत्र मध्ये महाराष्ट्र एक अतिशय चांगला प्रयोग सह्याद्री फार्मचे जे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत मान्य विलास शिंदे त्यांनी केलेलं आहे, त्यांना आपण पुरस्कार देण्याचं ठरवलेलं आहे। सी डी माई जे आपले विदर्भातलं भूषण आहे, कृषी तज्ज्ञ आहेत, त्यांच्या नावाचा आपण दरवर्षी पुरस्कार देत असतो। 1,00,000 रुपये रोख शाल श्रीफळ आणि सन्मानचिन्ह असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे। तो पुरस्कार आपण 15 जुलैला 5:30 वाजता माननीय नितीनजी गडकरी यांच्या शुभ हस्ते आणि शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि डॉक्टर शरद गडाख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत देण्यात येणार आहे। शेतकऱ्यांना ही विनंती आहे की या अशा कार्यक्रमात त्यांनी जरूर सहभागी झालं पाहिजे आणि जो काही प्रयोग नाशिकला झालेला आहे तसा आपल्या विदर्भात काही करता येतो काय हे त्यांनी अवश्य पाहावं, त्याच्यावर विचार करावा। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ मनीष टेंबरे, BCN न्यूज, नागपूर।